हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्वेश्चन की सीरीज करते आ रहे हैं, उसी क्रम में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज फिर से लिए हैं, तो देखेंगे इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, दिल्ली से मुंबई के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर ट्रेन चलती है। पूछताछ खिड़की से राहुल को पता चला कि ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:20 पर जाएगी, तो बताइए वह किस समय पूछताछ कर रहा था। इस तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, इसका एक ही फॉर्मेट है करने को। क्या फॉर्मेट है, हमेशा ये याद रखो कि अगली ट्रेन, क्या क्या याद रखो, अगली ट्रेन, पिछली ट्रेन और पूछताछ, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, इस क्रम में रहना है, ठीक है। अगली ट्रेन, पिछली ट्रेन और पूछताछ, यानी थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको, पिछली ट्रेन और पूछताछ, इस तरीके के फॉर्मेट से आपको सवाल करना है। वन बाई वन इनको करते हैं। अगली ट्रेन का सवाल, अगली ट्रेन का टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर ट्रेन चलती है, पूछताछ खिड़की से राहुल को पता चला कि ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:20 पर जाएगी, यानी अगली ट्रेन का जो टाइम है वो कब का है, 10:20 का। तो अगली ट्रेन का टाइम 10:20 हमें दिया हुआ होता है, या जो भी टाइम है वो दिया हुआ होता है, तो अगली ट्रेन हमने लिख ली 10:20 पर। अब जितने समय अंतराल पर ट्रेनें जा रही है ना, वो लिख लेंगे, कितने समय अंतराल पर जा रही है ट्रेनें। तो देखो यहां पर दे रखा है 55 मिनट, हर 55 मिनट पर ट्रेन है, तो जब अगली ट्रेन का टाइम 10:20 है, तो पिछली ट्रेन का टाइम इससे 55 मिनट पहले का ही तो होगा, और इससे 55 मिनट पहले का होगा तो इसमें से 55 माइनस कर दो। अगर तुम वैसे आइडिया नहीं लगा सकते ना कि 55 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा होगा, तो इसमें से 55 माइनस कर दो। अब 55 माइनस करोगे तो कैसे करोगे, देखो इधर से एक घंटा इधर को ले लो, इधर से एक घंटा इधर को ले लोगे, एक घंटे का मतलब 60 मिनट, 20 मिनट पहले से ही मौजूद है वहां पर, कितने मिनट हो गए, 80, 80 में से 55 गए तो कितने बचे बताओ, 25, 80 में से 55 घटा दोगे 25 बचे, और इधर कितना रह गया, 9। इसका मतलब पिछली ट्रेन का जो टाइम था वो कितना था, 9:25, पिछली ट्रेन का टाइम कितना था, 9:25। अब ये जो पिछली ट्रेन होती है ना, ये हर सवाल में यात्री से छूट जाती है, ये हर सवाल में यात्री से छूट जाती है, कितने मिनट से छूट गई, 10 मिनट से छूट गई। या तो हम ये कहें कि ट्रेन यात्री से 10 मिनट पहले चली गई, या तो हम ये कहें कि यात्री ट्रेन के 10 मिनट बाद आया, दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यानी 10 मिनट से छूट गई तो वो 10 मिनट बाद आया होगा, और 10 मिनट बाद आया होगा तो कितने बजे आया होगा, 9:35, यानी वो पूछताछ कर रहा होगा कितने बजे, 9:35 पर पूछताछ कर रहा होगा, ठीक है। यानी पूछताछ का टाइम हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9:35 पर पूछताछ कर रहा होगा। तो हमेशा अगर बस या ट्रेन कुछ भी हो और इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो आप इस फॉर्मेट में करोगे, अगली ट्रेन या अगली बस का टाइम हमें दिया होता है, उससे हमें पिछली ट्रेन का टाइम पता चल जाता है, और जितना मिनट यात्री लेट होता है उसको उसमें ऐड करने के बाद पूछताछ का टाइम हमें पता चल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ब्लड रिलेशन से। इसमें कहा है कि एक परिवार में तीन पिता, तीन पुत्र, दो पोते और एक परपोता है, तो बताइए परिवार में न्यूनतम कितने पुरुष सदस्य हैं। यानी यहां पर न्यूनतम कितने पुरुष सदस्य लिख लेना, कितने लोग हैं की जगह क्या है, कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा है एक परिवार में तीन पिता हैं, तीन पुत्र हैं, दो पोते हैं और एक परपोता है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसे समझ लेंगे। एक परिवार में तीन पिता, तीन पुत्र, दो पोते और एक परपोता है, तो बताइए परिवार में न्यूनतम कितने पुरुष हैं। तो देखो यहां पर हमें केवल पुरुष बताने हैं, और हमें बताना है इसमें कि ये कंडीशन बननी चाहिए, कौन सी वाली कंडीशन, कि इसमें तीन पिता हों, तीन पुत्र, दो पोते और एक परपोता। तो देखो हमेशा याद रखना कि अगर किसी परिवार में कोई परपोता आ गया या कोई व्यक्ति परदादा बन गया, तो इसका मतलब उस परिवार में कितनी जनरेशन रह रही है एक साथ, चार जनरेशन एक साथ रह रही है। तो जब चार जनरेशन एक साथ रह रही है, तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए कम से कम कितनी जनरेशन होनी चाहिए, चार। इस कंडीशन को पूरा करने के लिए कितनी जनरेशन होनी चाहिए, चार। यानी चार जनरेशन होंगी तभी ये वाली कंडीशन पूरी होगी। यानी आपको देखो इसमें कितने पुरुष सदस्य होंगे, कम से कम चार। जब चार जनरेशन है तो पुरुष सदस्य भी कितने होंगे, चार। कैसे होंगे, देखो इस परिवार में तीन तो पिता हैं, तीन पिता कैसे हैं, ये वाला जो है ना, ये इसका पिता है, एक पिता,
ये वाला जो है ये इसका पिता है, दो पिता। ये वाला जो है ये इसका पिता है, तीन पिता। ये वाला जो है ये देखो तीन पिता हो गए। अब देखो तीन पुत्र गिनो। ये वाला जो है ना ये इस वाले का पुत्र है, एक पुत्र। ये वाला जो है ये इस वाले का पुत्र है, कितने पुत्र? दो पुत्र। और ये वाला जो है ये इस वाले का पुत्र है, कितने पुत्र हो गए? तीन। तो तीन पिता हो गए और तीन पुत्र हो गए। अब देखो दो पोते, ये जो है ना थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाले का कौन है? पोता। और ये जो लास्ट वाला है ये सेकंड वाले का पोता। कितने पोते हो गए? दो पोते। और एक परपोता तुम्हें दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे वाला कौन है? परपोता। तो इस परिवार में तीन पिता हैं, तीन पुत्र हैं, दो पोते हैं और एक परपोता है। तो परिवार में न्यूनतम का मतलब है कम से कम में ये कंडीशन बननी चाहिए। कम से कम का मतलब है फिर उससे कम ना। अगर हम इसमें से एक व्यक्ति भी कम कर दें तो ना तो फिर तीन पिता ही रहेंगे, ना तीन पुत्र, ना दो पोते और ना परपोता। तो इसका मतलब कम से कम कितने पुरुष सदस्य होने चाहिए? कम से कम कितने पुरुष सदस्य? चार। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, यानी कि चार। कितने पुरुष सदस्य होने चाहिए? चार। समझ में आ गया होगा, यानी इसका आंसर हो गया भाई चार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कैलेंडर से। इसमें कहा है कि यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये आया हुआ है आपका एमटीएस के पेपर में, सवाल आया हुआ है आपका। अब देखेंगे इसे। इसमें कहा है कि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यानी ना तो इसमें कोई ईयर दिया है, केवल डेट और मंथ दिया हुआ है। और जब खाली डेट और मंथ दिया हो तो आपको कैसे करना है? एक नवंबर का दिन दिया है बच्चों, क्या? सोमवार। क्या दिया है? सोमवार। और हमसे पूछा गया है 25 नवंबर का दिन। कौन सा दिन पूछा गया है? 25 नवंबर का दिन पूछा गया है। तो देखो 25 नवंबर का दिन पूछा हुआ है, तो देखो 25 नवंबर का दिन कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको क्लास में भी कई बार समझाता हूं कि जब आपके ईयर अलग हो, मंथ अलग हो, डेट अलग हो तब कैसे करते हैं, या डेट अलग हो, मंथ अलग हो तब कैसे करते हैं, या तीनों चीजें अलग अलग हो तब कैसे करते हैं। जैसे इसमें भी हम करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि मंथ तो सेम है, और जो चीज सेम होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जो चीज सेम होती है उससे आंसर कभी नहीं आता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारी क्या चीज अलग है? डेट अलग है। तो हम क्या करते हैं, एक में से 25 माइनस कर देंगे। तो एक में से अगर 25 माइनस कर दें तो कितना आएगा? 24। एक में से अगर 25 माइनस कर दिया तो 24, और 24 को हम कितने से भाग करते हैं? 7 से। 7 तिया 21। अब जो शेष बचा, इससे मतलब होता है हमें भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, शेष फल से मतलब होता है। अब जो ये शेष बचा है ना, इसे हम प्लस कर देते हैं। इसे हम क्या कर देंगे? प्लस। क्योंकि एक तारीख का दिन दिया है और 25 तारीख का दिन पूछा है, यानी हमें आगे की डेट में जाना है, और जब भी हम आगे की डेट में जाते हैं तो प्लस करते हैं, और पीछे की डेट में अगर हमें जाना होता तो इस नंबर को क्या कर देते? माइनस कर देते। लेकिन अभी प्लस करेंगे। तो सोमवार में एक प्लस करोगे मंगल, दो प्लस करोगे बुध, और तीन प्लस करोगे तो क्या आ गया? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार अगर ऑप्शन में ना हुआ तो इसका दूसरा नाम क्या है? गुरुवार। समझ गए? तो इसका आंसर हो गया बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन बी। समझ गए होंगे, यानी इस भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। ये जो शेष फल होता है इसे ही हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस या माइनस कर देते हैं। अगर आगे की डेट में जाते हैं तो प्लस, और पीछे की डेट में आ रहे हैं तो माइनस। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसको ही क्यों घटाते बढ़ाते हैं? क्योंकि सप्तों से हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सप्तों के बाद तो वो ही दिन आता है। जैसे आज अगर सोमवार है या फिर आज बुध है, तो आज से एक सप्ताह बाद भी क्या होगा? बुध। आज से 100 सप्ताह बाद भी क्या होगा? बुध। आज से 1,00,000 सप्ताह बाद भी क्या होगा? बुध। तो सप्तों के बाद तो वही दिन आता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 100 सप्ताह एक दिन बाद क्या होगा, तो बृहस्पति होगा। तो इसलिए हमें केवल शेष से मतलब होता है, शेष को अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस या माइनस करना होता है। तो अभी इस सवाल का आंसर हमने सोमवार में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। इसमें कहा है कि लॉस को ये लिखा गया है, तो बताइए गेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले यहां पे, तो मैं क्लास में आपको टाइप वाइज कराता हूं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पेपर में कैसे करेंगे आप? तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है पेपर में कि इसमें अपोजिट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर इसमें अपोजिट चल रहा होगा तो आपको नंबर लिखने नहीं पड़ेंगे, और अगर
अपोजिट ना चल रहा होगा तो इसमें आपको नंबर ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही पता चल जाएगा L का अपोजिट क्या होता है, O। L का अपोजिट क्या होता है, O। अब O यहां पर लिखा हुआ नहीं है, इधर की साइड O लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये तो पक्का पता चल गया कि इसमें अपोजिट नहीं चल रहा। और जब अपोजिट नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, जब अपोजिट नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। अब हम यहां पर देखेंगे, जैसे लोज को एम क्यू बी आई लिखा गया, तो सबसे पहले हम इसके नंबर लिखेंगे, ये 12, ये 15, ये 19, ये 5, ऐसे यहां पर ये 13, ये 17, ये 22 और ये 9, ठीक है, इस तरीके से। और हमसे पूछा है कि बताओ गैन को क्या लिखा जाएगा, तो इसके नंबर भी हाथों हाथ लिख देने चाहिए, 7, 1, 9 और 14। सबसे पहली बात, अगर आपको नंबर जल्दी से याद है ना तो आप इस सवाल को कर लोगे, और अगर नंबर याद नहीं है तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे, या कर भी लोगे तो बहुत देर लग जाएगी, और हमें पेपर में जल्दी करना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है, तो इसलिए आपको नंबर फटाफट से याद होने चाहिए। दूसरी बात, लॉस को अब हम देखेंगे कि इसमें क्या प्लस या क्या माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले 12 की जगह कितना लिख दिया, 13, 12 प्लस 1 यानी कितना 13, 15 प्लस 2 यानी कितना 17, 19 प्लस 3 कितना 22, 5 प्लस 4 यानी 9। पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। कभी कभी एक ही नंबर जुड़ता जाता है, कभी कभी कुछ प्लस माइनस करता हुआ जाता है, कभी कभी सारे नंबर अलग अलग जुड़ते हैं, किसी क्रम में जुड़ते हैं, या तो सम संख्या या फिर अभाज्य प्राइम नंबर, इस तरीके से। लेकिन यहां पर एक प्राकृतिक संख्याओं के रूप में प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे जुड़ता जा रहा है, तो जो ऊपर चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे वाला करना होता है। तो 7 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पर क्या होता है H। अब 1 में हम 2 थोड़ी जोड़े, 1 में हम 1 थोड़ी जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 1 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 1 और 2 3, 3 पर क्या आएगा C। अब हम कितना जोड़ेंगे 3, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12, और 12 पर क्या आएगा L। अगर 14 में आपको जोड़ना है तो कितना जोड़ेंगे 4, 14 4 18, 18 पर R, यानी हमने भी उसी क्रम में जोड़ दिया 1 2 3 4, तो सबको ऐसे जोड़ दिया, तो एच सी एल आर यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इन दोनों को बारीकी से चेक कर लेना, यानी आंसर क्या हो गया एच सी एल आर, तो ये आंसर होगा हमारा, ये नहीं, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए मिलते जुलते दिए जाते हैं, ठीक है। आया हुआ सवाल है ये भी आपका SSC के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं, हर चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन लिया जाता है और अच्छे से आपको समझाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन होता तो बहुत आसान है, क्योंकि ना तो इसमें प्लस करना होता, ना माइनस, ना गुणा, ना भाग, बस आपको समझना होता है इस क्वेश्चन को, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इसका, लेकिन फिर भी बच्चों से गलत हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी लिया है, इसमें यह कहा है कि यदि आपको पानी, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास और प्यास को तपिस कहा जाए और तपिस को ठंडक, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी। तो देखो इसने कहा है कि यदि आग को पानी कहा जाए, आग को क्या कहा गया इसमें पानी, आग को पानी, आग को पानी, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, बहुत लंबा इस तरीके से कुछ दिया होता है इस तरीके से, भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिस, प्यास को तपिस और तपिस को ठंडक, तपिस को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी। तो आपको देखना है, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें कि प्यास को पूछा है, तो इसमें आप प्यास का कोड देख लेते हैं कि भाई प्यास को तपिस कहा गया है, और इसका आंसर तपिस लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको रियल लाइफ में आना है। रियल लाइफ का मतलब है कि आप जैसा दैनिक जीवन में देखते हैं चीजों को, कि प्यासे को किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आप कहोगे प्यासे को सर पानी की आवश्यकता होती है, और हमें देखना है कि इसमें पानी को क्या कहा गया है। तो इसमें बच्चों पानी को कहा गया है हवा, क्योंकि प्यासे को जरूरत होती है किसकी, पानी की, और पानी का नाम इन्होंने क्या रख दिया हवा। तो पानी को क्या कहा गया है इसमें हवा, तो प्यासे को इनके अकॉर्डिंग किस चीज की जरूरत होगी, हवा की होगा, वो पानी ही, पर उसका नाम चेंज कर दिया, क्या हो गया हवा। तो प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी, पानी की, और पानी को क्या कहा गया है हवा। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका आंसर क्या हो गया
हवा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप एकदम हवा कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको देखना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि रियल लाइफ में इस चीज की जरूरत कहां होती है। पानी की जरूरत होती है प्यासे को, तो पानी को कहा गया हवा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आकृति वाले से, ठीक है, आकृति वाले चैप्टर से लिया गया है अगला क्वेश्चन। लेकिन देखते हैं इसमें वर्ग पूछे हैं या त्रिभुज। लेकिन इसमें तो क्या पूछे हैं भाई, त्रिभुज पूछे हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें पूछा है, कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज गिनने की मैंने आपको इतनी ट्रिक बता दी है कि आप इसे एकदम से गिन सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर वर्ग के अंदर पोर्शन बने हुए हैं तो इन वर्ग में जितने पोर्शन बनने हैं उसका दुगना कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं, दुगना। तो चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, तो भाई ये हो गए आठ। इसमें कौन कौन से हो जाते हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा। आठ इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, देखो एक दो तीन चार, चार तो ये छोटे छोटे ही हो गए। चार के बाद, चार के बाद देखो एक ये वाला पांच है ना, एक ये वाला छह, ये छह हो गए। एक इस वाली भुजा को आधार मान के बनेंगे दो उल्टे उल्टे त्रिभुज ऐसे सात, और एक इधर को ये आठ। ये कितने त्रिभुज हो गए, आठ। आठ तो यही हो गए, लेकिन अभी और भी तो बन रहे हैं इसमें। ये नौ और ये दस और ये ग्यारह और एक बारह, कितने हो गए बारह। लेकिन मैंने ये भी बताया है आपको कि अगर कई आकृति जुड़ी हुई हैं तो जॉइंट पे कुछ अलग त्रिभुज भी बन जाते हैं। लेकिन इसमें कोई अलग से त्रिभुज नहीं बनने, बस आठ अंदर वाले और चार बाहर वाले। आठ और चार कितना बारह, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, बारह त्रिभुज हो गए इसमें। समझ में आ गया सबके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग से, 1+2+3 का मतलब है दीज आर बॉयज। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, ठीक है। ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है, इसको समझ लेंगे। सीजीएल में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो देखो 1+2+3 बराबर लिखा हुआ है दीज आर बॉयज, ठीक है, और 1+3+4 बराबर लिखा हुआ है Boys are naughty. Boys are naughty. 1+4+5 बराबर लिखा हुआ है naughty boys sing. Naughty boys sing. इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसमें कंपेयर करी जाती है दो लाइनों की, यानी तुलना पर आधारित प्रश्न होते हैं ये। ऐसे कैसे करते हैं इसमें, इसमें जो है आपको क्या करना होता है, किन्हीं भी दो लाइनों की कंपेयर करनी होती है। वैसे तो आप किन्हीं भी दो लाइनों की कंपेयर कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी से आंसर करना है तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, आपको पहले ये चीज देखनी है कि इसमें तीनों में कोई चीज एक जैसी तो नहीं है। अगर इनमें तीनों में कोई चीज एक जैसी हुई तो आप कैसे करोगे। देखो तीनों में एक चीज एक जैसी होगी, अगर एक जैसी तीनों में नहीं है तो आप वो शब्द ढूंढोगे जिसका कोड पूछा है। किसका कोड पूछा है, नॉटी का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, तीनों में देखो कोई चीज एक जैसी तो नहीं है। तो तीनों में देखो इधर की साइड क्या कॉमन है, एक। एक तीनों में है, एक तीनों में है, तो इसका मतलब इधर भी तीनों में कोई चीज कॉमन होगी, एक जैसी होगी इधर भी तीनों में। तो देखो तीनों में इधर की साइड क्या कॉमन है, बॉयज इसमें भी है, बॉयज इसमें भी है और बॉयज इसमें भी है। तीनों में इधर की साइड तो एक कॉमन है और तीनों में इधर की साइड बॉयज कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज का कोड हो गया एक, बॉयज का कोड हो गया एक। अगर हमसे बॉयज का आंसर पूछा जाता तो आंसर हो जाता इसका एक, लेकिन हमसे किसका कोड पूछा है, नॉटी का कोड पूछा है। अब हम देखेंगे कि नॉटी जो है वो कौन कौन सी लाइनों में लिखा हुआ है। तो नॉटी हमारा दो लाइनों में लिखा हुआ है, एक तो इसमें और एक तो इसमें। तो इन्हीं दोनों की कंपेयर कर लो, क्योंकि पहली और दूसरी की कंपेयर करने से क्या फायदा, पहली और दूसरी में तो नॉटी नहीं है ना, दूसरी में तो है नॉटी, पहली में तो नहीं है। तो जिन लाइनों में वो शब्द है उन्हीं की कंपेयर करो, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहां पर देखो इन दोनों की लाइन कंपेयर कर लो, नॉटी इसमें भी है, नॉटी इसमें भी है, इधर भी इन दोनों में कॉमन होगा एक, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है। तो नॉटी का कोड हो गया फोर, नॉटी का कोड कितना हो गया फोर, क्योंकि फोर दोनों में कॉमन है तो नॉटी का कोड हो गया फोर। अगर मैं पूछूं इसमें आर का कोड बताओ तो आर का कोड कितना हो जाएगा, थ्री, क्योंकि दोनों में आर आर है, दोनों में इधर थ्री थ्री है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दीज का कोड बताओ बच्चों, तो दीज का कोड क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप कंपेयर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए होगे। तो नॉटी का कोड पूछा है तो इस स्थिति में आंसर हो जाता है कितना, फोर आंसर हो जाता है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक दिन सूर्य उदय के बाद रीता और मीना एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रही थी। अगर मीना की छाया रीता के ठीक दाएं ओर पड़ रही थी तो मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी। तो देखो ये दिशा वाला क्वेश्चन है, ये आपको समझना है कैसे करते हैं।
इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं परछाई से संबंधित क्वेश्चन। परछाई संबंधित प्रश्न में आता है ये, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको कैसे करना होता है, तो पहली बात तो ये आती है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो लोग होते हैं। दो लोगों में दिक्कत ये है पहले कि हम इन्हें ऐसे खड़े करें या ऐसे खड़े करें या ऐसे खड़े करें इन दोनों को, या इन दोनों को ऐसे खड़े करें, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, क्योंकि ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात हमेशा याद रखना कि जब परछाई बाएं या दाएं जाए, परछाई बाईं ओर जाए या फिर दाईं ओर जाए, लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, तो आपको क्या करना है, तो हमेशा व्यक्तियों को ऐसे खड़े करना है। अगर किसी की परछाई किसी के बाएं जा रही है या दाएं जा रही है, आपको उससे मतलब नहीं, आपको ऐसे खड़े करना है, ठीक है, चाहे बाएं जाए चाहे दाएं जाए। लेकिन अगर किसी की परछाई किसी के ऊपर पड़ रही है, किसी की परछाई किसी के ऊपर पड़ रही है, तो आपको कैंडिडेट ऐसे खड़े करने हैं, ठीक है। किसी की परछाई किसी सदस्य की परछाई अगर दूसरे सदस्य पर पड़ रही है, सदस्य की परछाई किसी सदस्य की परछाई दूसरे पर पड़ रही है, एक सदस्य की परछाई दूसरे पर पड़ रही है, तो आपका क्या है, इस तरीके से एक का मुंह पूरब में और एक का मुंह पश्चिम में, इस तरीके से आप कैंडिडेट को कभी खड़ा नहीं करेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर परछाई लेफ्ट में या राइट में जा रही है, तो एक का मुंह उत्तर में और एक का मुंह दक्षिण में। अगर परछाई किसी के ऊपर पड़ रही है, एक सदस्य की दूसरे के ऊपर पड़ रही है, तो एक का मुंह पूरब में और दूसरे का मुंह आपको करना है पश्चिम में। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें देखेंगे हम पहले कि हम देखो इसमें ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, आपको जब भी बाएं या दाएं दिखाई दे, दाहिने का मतलब दाई ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ऐसे खड़े होंगे। हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुबह के समय का और शाम के समय का पूछा जाता है, दोपहर के समय का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अब इसमें हमें यह पता चल गया ये कैंडिडेट ऐसे खड़े होंगे। कैसे पता चल गया, क्योंकि परछाई दाई ओर जा रही है, तो जब दाई ओर जा रही है तो कैंडिडेट ऐसे खड़े होंगे। अब इसमें देखना होता है कि समय कब का है, सुबह का समय है तो अलग, शाम का समय है तो अलग। क्यों? क्योंकि सुबह का समय है तो सूर्य होगा पूरब में और शाम का समय है तो सूर्य पश्चिम में। अब देखो सुबह का समय है तो सूर्य होगा पूरब में, सूर्योदय की बात हो रही है और पूरब की बात हो रही है ना, तो इधर जब सूर्य होगा तो परछाई तो भाई दोनों की इधर की साइड ही जाएगी, परछाई तो दोनों की इधर ही जाएगी। अब इधर एक व्यक्ति का बायां होगा और एक व्यक्ति का क्या होगा, दायां। दोनों का दायां इधर नहीं हो सकता, दोनों का बायां इधर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो जिधर उस व्यक्ति का बायां होगा उधर दूसरे वाले व्यक्ति का क्या होगा, दायां होगा। इस तरीके से जैसे इधर से जब परछाई आएगी तो इधर को जाएगी। अब क्वेश्चन को वहां से पकड़ो जहां पे बाएं या दाएं जा रही है। मीना की छाया रीता के ठीक दाएं पड़ रही है, ठीक दाएं, रीता के ठीक दाएं पड़ रही है, रीता के ठीक दाएं। अब ये देख लो इधर राइट कौन से वाले का पड़ेगा, तो इस कैंडिडेट का तो लेफ्ट पड़ेगा भाई, इधर इस कैंडिडेट की तो पड़ेगा राइट, इधर इसका तो लेफ्ट पड़ेगा, तो रीता के ठीक दाएं पड़ रही है, तो रीता इसका मतलब ये है क्योंकि इसका दाया पड़ रहा है इधर। और जब ये रीता है तो फिर ये कौन है, मीना, ये रीता है तो ये मीना, तो रीता का मुंह तो है दक्षिण में और मीना का मुंह तो है उत्तर में। किसका मुंह पूछा है, मीना किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो मीना खड़ी है उत्तर की ओर मुख करके, तो इसका आंसर हो गया बी यानी उत्तर, तो इसका उत्तर उत्तर हो गया बच्चों, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये वाला, एक परिवार में पांच विवाहित जोड़ी है, प्रत्येक के चार चार पुत्र हैं, तो बताइए कि परिवार में न्यूनतम कितने सदस्य हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में करते हैं कि पांच विवाहित जोड़े बनाते हैं, वो जल्दी जल्दी एक मेल फीमेल, 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 इस तरीके से, है ना। प्रत्येक के चार चार पुत्र, ये चार, इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार, है ना। तो देखो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दस लोग तो ये हो जाते हैं, और चार चार आठ, चार बारह, और चार सोलह, और चार बीस, ये हो जाते हैं। तो दस और बीस तीस, और तीस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो जब तीस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि भाई हमने सवाल तो सही करा लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है, और अगर ये ऑप्शन में होता तब भी इसका ये आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमसे एक बात पूछी है परिवार में न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब समझते हो, अभी बताया है कम से कम, अगर कम से कम में ये कंडीशन बन जाती है तो वो आंसर माना जाएगा। अब देखो कम से कम में कैसे बनेगी कंडीशन, देखो कम से कम में ये कंडीशन बनानी है, अभी हमने जो करा वो ऐसे कर दिया जो कि हमारा गलत हो गया। हमने क्या करा, पांच विवाहित जोड़े, सबके इनके चार चार पुत्र, तो तीस लोग आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी न्यूनतम पूछा जाए आपसे, एक बार समझ लेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो गलत है आपका, बच्चे ऐसे करते हैं, ये बता रहा था मैं।
अब देखो, जब भी आपसे न्यूनतम पूछा जाए, आप एक पति पत्नी से स्टार्ट करना, एम का मतलब मेल और एफ का मतलब फीमेल, स्टार्ट कर दिया। इनके हुए चार पुत्र, इनके कितने पुत्र हुए, चार, एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र और चार पुत्र। इनके हुए कितने पुत्र, चार पुत्र, चारों का विवाह हो गया, इसकी भी एक पत्नी आ गई, इसकी भी पत्नी आ गई, इसकी भी पत्नी आ गई, इसकी भी पत्नी आ गई। फिर इनके भी हुए चार चार पुत्र, इनके भी चार, इनके भी चार, इनके भी चार और इनके भी चार, फिर इनके भी हुए चार चार पुत्र। अब बताओ इस परिवार में पांच विवाहित जोड़े हैं या नहीं है, पांच विवाहित जोड़े हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच विवाहित जोड़े हैं और प्रत्येक के कितने कितने पुत्र भी हैं, चार चार पुत्र भी हैं प्रत्येक के, है ना, तो प्रत्येक के चार चार पुत्र हैं। तो अब गिन के देखो कितने कैंडिडेट हो गए, ये दो, दो चार तो छह और दो आठ, ये और सोलह, ये तो सोलह आठ चौबीस और दो छब्बीस लोग हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया 26, समझ गए होंगे। तो जब भी न्यूनतम पूछे आप एक मेल फीमेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कथन और निष्कर्ष से, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, जो कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन और तर्क, ऐसे क्वेश्चन। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ना तो कुछ सॉल्यूशन, ना आपको वेन डायग्राम बनाना होता, आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताना होता है आपको अपने दिमाग में सोचकर। जैसे कथन में कहा है कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो निष्कर्ष पहला है धन और सुखी का, धन और खुशी का सीधा संबंध है, और दूसरा है धन से जीवन में खुशी आती है। देखो हमें कथन दिया जाता है, कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष बताने होते हैं कि इस कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इस कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये देखना होता है। तो देखो कथन में कहा है कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, कथन में ये बताया गया है कि जो धनी लोग हैं ना वो जीवन में खुश रहते हैं, इसका मतलब उससे ये निष्कर्ष निकल गया है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है, यानी अगर व्यक्ति के पास धन है तो वो खुश भी है। कथन के अकॉर्डिंग, हमें कथन के अकॉर्डिंग देखना है आंसर, वैसे नहीं, हमें कथन के अकॉर्डिंग चलना है। तो कथन के अकॉर्डिंग देखना है तो सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर निष्कर्ष देखें तो पहला निष्कर्ष धन और खुशी का सीधा संबंध है, ये भी ठीक हो गया, और धन से जीवन में खुशी आती है, ये भी ठीक हो गया कथन के अकॉर्डिंग। तो हमारा कथन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि कथन में कहा है सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो पहला निष्कर्ष भी सही हो रहा है, धन और खुशी का सीधा संबंध है और धन से जीवन में खुशी आती है, ये भी सही है, यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं हम। तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे जरा ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, थैंक यू।